सबकी अलग अलग विश थी, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो ऐसा बना देती हूँ जिसमें सारे हेयर स्टाइल को कवर कर देती हूँ और सबकी शिकायत एक साथ खत्म। सो इसलिए मेरे हेयर स्टाइल हर किसी के लिए, हर किसी की विश पूरी हुई है। पहला हेयर स्टाइल में आपने देखा, पीछे से थोड़े से बालों का पार्टीशन करते हुए इसे पिनअप किया, बीच में से थोड़े से बाल लिए, उसे ब्रेड बनाते हुए पीछे पिनअप किया और आगे के बालों को भी फोल्ड करते हुए पीछे पिनअप कर दिया। जिस तरफ कम बाल थे वहाँ पे हल्का सा रोटेशन देके पीछे पिनअप कर लिया। सो दिस इज फर्स्ट हेयर स्टाइल। सेकेंड हेयर स्टाइल फ्रंट हेयर स्टाइल है। यहाँ पे बीच में से थोड़े से बालों को लेके ब्रेड बनानी है। अब हमें इसमें से बीच में से हल्का सा जो होल है वहाँ से अपने बालों को इस तरीके से निकालना है। ये वाला हेयर स्टाइल ना बहुत अच्छा लुक देता है एंड आप इसे अगर वेडिंग वगैरह पार्टी वगैरह पे भी करेंगी तो बहुत अच्छा लुक आता है। दोनों तरफ आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है। देखिए लग रही है ना पंजाबी कुड़ी एकदम। सो ये हेयर स्टाइल तो मैं मोस्टली फॉलो करती हूँ। ये वाला हेयर स्टाइल कर्ली हेयर के लिए भी और मोस्टली पार्टी के लिए। पार्टी का जो लुक होता है ना, अगर आप या तो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर रखिए या तो फिर अपने बालों को कर्ल रखिए। सो यहाँ पे मैं पोनी टेल बना रही हूँ। यहाँ पे दो मैंने पोनी बनाई, ऊपर की जो पोनी थी वो लूज थी तो इसलिए मैंने उसके बीच में से नीचे की पोनी को निकाला और देन पीछे से नीचे ले जाके उससे थोड़ा सा टाइट कर दिया। इससे आपके जो हैवी बाल होंगे ना उसकी जो पोनी रहेगी वो जितने देर तक आप फिक्स रखना चाहेंगे ये फिक्स रहेगी, लूज नहीं होगी। सो इसलिए मैं ये वाला स्टेप फॉलो करती हूँ जब मुझे परमानेंटली यानी कि पूरे दिन के लिए एक फिक्स पोनी टेल चाहिए होती है, हाई पोनी टेल। ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ साड़ी के लिए, तो यहाँ पे मैंने मिड स्लीक के साथ एकदम चिपकी वाली स्लीक के साथ ले जाके पीछे पोनी टेल बनाई और उसकी मैंने यहाँ पे ब्रेड बनानी स्टार्ट करी। अब इस ब्रेड को मैं आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का पुश कर रही हूँ। सारे हेयर स्टाइल क्लियर है, प्लीज़ शिकायत मत करना, इसीलिए मैंने क्लोजअप बनाया और इसे चारों तरफ लपेटते हुए अच्छे से पिनअप कर लेना। कम से कम 4-5 पिन यूज़ करना, बहुत सुंदर सा लुक आएगा। मेरा तो खैर कुछ भी नहीं आ रहा, आप अच्छा सा कोई चोकर यूज़ करना। एंड अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंच ब्रेड, जो कि बहुत मुश्किल होती है, सीरियसली बहुत मुश्किल होती है यार। मैं तो खुद से नहीं बनती, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँ, बट मैंने बहुत कोशिश करी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने ऊपर से थोड़े से बाल लेके उसकी ब्रेड बनाते हुए दोनों तरफ से इस तरीके से बाल को ऐड कर रहा है। और प्लीज़ इसे बनाने से पहले ना अच्छे से बालों को सुलझा लेना, फिर मुझे शिकायत मत करना। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े बालों को ऐड करते जाओगे, नीचे ले जाके तीनों पार्टीशन को इस तरीके से ब्रेड बना के कोई भी स्क्रंची यूज़ कर लोगे या कोई रबड़ बैंड यूज कर लो या फ्लावर वाली रबड़ यूज कर लो, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। और भाई थोड़ी सी पोनी हो गई है, सॉरी ब्रेड हो गई है टेढ़ी, तो शिकायत मत करना, आप इसे सीधी कर सकते हो, वरना भाई को बुला लेना, वो अपने आप सीधी कर देगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। इसे आप ऑफिस कॉलेज बड़े आसानी से बना के जा सकते हैं और स्कूल भी जा सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये तो मतलब आप पार्टी या उसके लिए कर सकती हैं। जब पफ बनाती हूँ तो पफ आजकल बहुत ओल्ड हो चुका है और अच्छा भी नहीं लगता, तो यहाँ पे इस तरीके से आप थोड़े थोड़े बालों को लेके ब्लैक प्लास्टिक रबड़ यूज़ करके और इस तरीके से बालों को बीच में से निकालते हुए एंड 4 पार्टीशन आपको बनाना है और देन उसे थोड़ा सा हल्का सा ना और करना पुलअप आगे की तरफ। मैंने यहाँ पे नहीं किया पर आप थोड़ा सा करना तो बहुत अच्छा लुक आएगा और इसे हल्का हल्का चाहें तो खींच भी सकती हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट लुक मिलेगा। एंड फिर ये है पार्टी हेयर स्टाइल अगेन, जिसे मैंने साइड के लिए बनाया है। तो कर्ली हेयर जो होते हैं अगर उनमें थोड़ा सा बाउंस है, वॉल्यूम है, तो बहुत अच्छे लगते हैं साइड स्लीक के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड बनाई पार्टीशन लेके और अब मैं उसमें से बीच में से जो थोड़े थोड़े होते हैं ना होल होते हैं उनमें से बालों के पार्टीशन को निकालूंगी और चारों को इकट्ठे करके 4-5 जितनी भी लेयर आप ले सकें और पीछे पिनअप कर लेना। सो इस तरीके से साइड लुक आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। एंड नेक्स्ट हेयर स्टाइल भी सूट कुर्ती के साथ है, तो समझ जाओ कि फेस्टिवल फंक्शन, दिवाली, दशहरा, ईद, जब भी मर्जी आप कर सकते हो और चाहे फैमिली फंक्शन, वेडिंग वगैरह में भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से करना है एंड आपने देखा कि मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े 4 बालों का पार्टीशन लिया, उसे हल्का हल्का रोटेट करते हुए और दूसरी तरफ के बालों को पकड़ के रखना है, दोनों तरफ एक एक पिन टिक टैक से सिक्योर कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपली हेयर स्टाइल है जिसे आप डेली बेस पर भी कर सकती हैं। नेक्स्ट हेयर स्टाइल में हम बढ़ते हुए इस तरीके से बालों को आगे से क्रॉस करना है और क्रॉस करते हुए पीछे पकड़ के आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा सकती हैं, क्योंकि आपसे नहीं होगा तो आप पिन का यूज़ कर लीजिए ताकि बाल फिक्स हो जाए। उसके बाद आप पोनी टेल बनाना एंड देन पोनी टेल का थोड़ा सा हाफ पार्टीशन को छोड़ते हुए पार्टीशन को और उस रबड़ के ऊपर, रबड़ ना मोटी यूज़ करना जिससे बन थोड़ा हैवी दिखेगा, उस पर लपेट के पिनअप करना है। दूसरे वाले पार्ट को भी ऊपर से लपेटते हुए घुमाते हुए पिनअप कर देना है। तो बहुत सिंपल सा बनाया, आगे से थोड़ा सा
अपना डिज़ाइन का लुक आएगा। और ये वाला है तो ये बेसिकली मैंने बनाया कि अपने मांग टीकों को कैसे फिक्स कर सकते हैं। पहले मांग टीकों को नाप लीजिए और फिर यहाँ से थोड़े से बाल लेके उसे इलास्टिक रबर से करते हुए मतलब सिक्योर करते हुए उसके टू पार्टीशन कर लीजिए। एक पार्टीशन को इधर लेके इस तरीके से थोड़े थोड़े बालों को आप चाहें तो हेयर स्टाइल चेंज भी कर सकती हैं, और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से रोटेट करते हुए पिनअप कर लीजिए दोनों तरफ। अब आप इस पर मांग टीका फिक्स कर देंगे ना, बिल्कुल मांग टीका ढीला नहीं होगा। बहुत मेरी शिकायत आती है यार, मांग टीका नाचते हुए घूमते हुए काम करते हुए उसमें लटकने लगता है, ऐसे कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अब ये वाला हेयर स्टाइल तो आपने देखा कि मैंने मतलब जिस तरफ कम बाल थे वहाँ पे साइड से कान के नीचे से थोड़े से बाल लिए, ब्रेड बनाया, दूसरी तरफ से जाके पिनअप कर दिया, और आप फिर से उसे आगे के जो बाल थे उन्हें भी वहीं पे पिनअप कर लिया। आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं हेयर स्टाइल को पॉज करके, क्योंकि हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती थी मैं वीडियो। ये वाला हेयर स्टाइल भी कुछ सिमिलर ही है, बट यहाँ पे मैंने अब रबर, आजकल पता है ये क्या है, ये मेरी ना फ्रॉक का बेल्ट है, तो बहुत फ्रॉक के साथ जो फ्रॉक कुर्ती आ रही है उनके साथ इस तरीके से बेल्ट आ रहे हैं, तो उस बेल्ट को आप कमर पे कौन बांधता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बांधता भी होगा, ऐसी इधर उधर पड़ी रहती होंगी, तो आप इस तरीके से उसे हेयर बैंड की तरह यूज़ कर सकते हो। अब ये वाला हेयर स्टाइल है तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से बालों को लेके रोटेट कर रही हूँ। बेसिकली एक तरफ आगे की तरफ से लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ से बालों को लेती हूँ, रोटेट करके पीछे पिनअप कर दिया। तो ये था लास्ट हेयर स्टाइल। आई होप आपको पसंद आया, तो आया तो लाइक कर दो।